then freehold building, that's 20,000. Then general reserve, yes, total last में tally होगा, सही किया तो tally होगा 21. What is general reserve? Accumulated profit. पिछले 3-4-5 साल का profit. Internal liability, so credit. Then interest received is income. Then sales is also income. Then traveling expense, that's debit. Then bills receivable, that's asset 600. Rent 3500. Return inward, that's sales return, so debit. Cash at bank, asset, so debit. Carriage is debit. Creditors is credit. ये जो रेंट है ना, रेंट ये हमने किधर लिखा हुआ है, रेंट काय को, ये रिसीव्ड भी तो हो सकता है ना, रेंट इज कुछ नहीं दिया है ना, तो अज्यूम इट इज एक्सपेंस. समझा? रेंट, इंश्योरेंस, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एंड डिस्काउंट. आपको उधर पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है, पिछले पेज पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, पॉइंट 3 में है, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट. ओके, कुछ नहीं दिया है तो एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड दिया है तो इनकम. क्रेडिटर्स क्रेडिट, देन फर्नीचर एंड फिक्स्चर, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, दैट्स डेबिट. देन बिल्स पेएबल, bills payable, that's credit. Then unpaid wages are liability, so credit. Return outward, that's purchase returns, so credit. And office expenses are debit. Ultimately क्या होना चाहिए टोटल? सेम आएगा कि अलग आएगा बताओ? सेम आया तो राइट है यार. आया आ गया. कितना होता है? कितना? 209906. पहले क्रेडिट ही किया है. हाँ. डेबिट करो. सेम 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 ही आएगा. सब आज, अरे बुक में दिया है तो वही नहीं कहाँ दिया नहीं सब बुक में दिया देखो चेक करो, डेबिट का टोटल भी चेक कर लो, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए. चेक, ये टैली हुआ मतलब आपने करेक्ट किया, टैली नहीं हुआ मतलब कुत्तो लोचा जरूर है. ये अमाउंट बराबर कॉपी किया है, टोटल तो राइट है 2099. गणित गणित
2099 एक टैली ओके। तो मतलब भाई ने कोई एरर वेरर किया नहीं। ये टैली होगा है। अभी होमवर्क ले लो, सम नंबर 5 इज होमवर्क एंड देन वी वाइंड अप। सही टेक्स्ट में करना है ना, बुक में टोटल करके टैली भी करना है। पांचवा सब कंपाइल टैली ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/12/2000 फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड। देखो उधर पढ़ो, पेंडिंग कस्टमर म्हणजे काय? पेंडिंग कस्टमर कस्टमर डेटर तो डेबिट, पेंडिंग कस्टमर है ना कस्टमर, डेटर डेबिट। अदर करंट एसेट डेबिट एसेट, पेंडिंग सप्लायर सप्लायर मतलब क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है दोनों साइड, वेरी गुड। पेंडिंग कस्टमर माफ करो, पेंडिंग कस्टमर डेबिट समझा क्यों? डेटर है। हेलो अदर करंट एसेट एसेट डेबिट, पेंडिंग सप्लायर क्रेडिट लायबिलिटी। गुड्स बॉट म्हणजे परचेज सो डेबिट, गुड्स सोल्ड म्हणजे सेल सो क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, देन कैश एट बैंक डेबिट। बैंक अकाउंट नंबर 2 सीआर, सीआर म्हणजे क्रेडिट ओवरड्राफ्ट सो क्रेडिट, उन्होंने लिख के दिया। या तो ओवरड्राफ्ट देगा या ऐसा सीआर देगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग म्हणजे लोन, लोन क्रेडिट लायबिलिटी। प्रोप्राइटर कुमार पर्सनल अकाउंट, अभी अभी बोला मैं कैपिटल, पर्सनल अकाउंट म्हणजे कैपिटल सो दैट्स क्रेडिट लायबिलिटी इंटरनल क्रेडिट। सैलरी एंड वेजेस डेबिट। प्रोप्राइटर विड्रॉवल म्हणजे ड्रॉइंग सो दैट्स डेबिट। रेंटल बिल ऑफ ऑफिस प्रमाणे म्हणजे रेंट सो डेबिट। कमीशन रिसीव्ड म्हणजे क्रेडिट। ऑल फॉर द डे स्टॉप, इफ यू हैव एनी डाउट्स टेल मी, अदरवाइज शो मी द बुक एंड यू कैन लीव। ट्रिप का पैसा आपको 30 नवंबर तक पे करना है, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।